Hey everyone, welcome back to my channel. और आज की हमारी जो वीडियो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है और वो आप देख सकते हैं. उसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बताया हुआ है और आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं. और मेन हमारा जो साइंस में हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स में, उसका मेन पर्पस क्या है, तो हम ये दोनों चीज़ें आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है एक ऐसी फील्ड है साइंस की जिसमें हम बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तीनों को मर्ज आउट करके तीनों की इकट्ठी स्टडी हम कर सकते हैं. बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये जो टर्म है ना, ये बायो का मीनिंग है लिविंग, इन्फॉर्मेटिक्स मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उनके सेल से लेकर उनके जीनोमिक स्ट्रक्चर तक हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ सकते हैं. चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो टर्म है ये हमें दी किसने थी, इनके जाने कि इनके जो फादर हैं वो कौन है. तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो टर्म है हमें एक फीमेल पर्सन ने दी थी, तो इसी वजह से हम बोल देते हैं हु इज़ द मदर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. तो उनका जो नाम था वो था मार्गेट ऑकले डेहोफ, ठीक है. मार्गेट ऑकले डेहोफ ने हमें ये टर्म दी थी. वो एक्चुअली क्या करते थे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को उन्होंने किस में अप्लाई किया था, मैथमेटिक्स में और कंप्यूटेशनल मैथड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री. तो उन्होंने क्या किया था, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर को दोनों को ही मिक्स मैच करके उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में यूज़ किया था और इसी से उन्होंने क्या निकाला, बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो था उसका कंसेप्ट तैयार किया. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हम जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को अप्लाई कर सकते हैं. तो पहला जो है वो है जीनोमिक्स. हम जीनोमिक्स में बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं. किस पर्पस के लिए, सीक्वेंसिंग करने के लिए डाटा की, ठीक है, डाटा सीक्वेंस को चेकआउट करने के लिए, उनको इवेल्यूएट और उनको एनालाइज करने के लिए. सेकेंड क्या है, जीनोमिक फीचर प्रिडिक्शन के लिए कि एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम कौन, कैसा जीनोम है, उसकी हम थ्रू द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स उस प्रिडिक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटियोमिक्स. प्रोटियोमिक्स जो टर्म है वो प्रोटीन के लिए यूज़ की जाती है. तो अगर हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पता होगा तो हम प्रोटीन के 3D 2D मॉडल्स को स्टडी कर सकते हैं और इसी के साथ ड्रग को डिज़ाइन भी कर सकते हैं. ड्रग मीन लाइक मेडिसिन को हम तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है वो है सिस्टम बायोलॉजी. हम जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है उसको किस में यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम बायोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें जीन सेट इनरिचमेंट पता लग सके, मतलब कौन जीन के कितने सेट हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है. और पाथवेज एनालिसिस लाइक C3 पाथवे हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ये सारा जो है हम इसके थ्रू बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे फिनोटाइप की. फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिजिकल अपेयरेंस. जो एक दो टर्म्स है ना, जीनोटाइप लाइक जीन्स की हम स्टडी करें, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपेयरेंस, जो आउटर लुक है हम उसकी देख सकें, उसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह चेक कर सकें. तो अगर हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पता होगा तो इससे हम इमेज एनालाइज कर सकते हैं, उसकी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, मतलब कितनी सारी इमेज जो हमारे आगे बन गई उसको कंबाइन करके भी एक नई इमेज जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से हम कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारा जो पर्पस है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का वो मेन क्या है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मेन जो पर्पस है वो ये है कि हम प्रोसेस कर सके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को. प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि जैसे किसी लिविंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से लिविंग जो प्रोसेस हैं वो हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम पता कर सके कि किसी लिविंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं. तो उसकी एक इमेज तैयार फ्रॉम द जीनोम, ठीक है, जीनोम की स्टडी करके, आउट ऑफ द न्यूक्लियस देख के या आउट ऑफ द सेल देख के या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को हम जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स. तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगली नोटिफिकेशन जानने के लिए. थैंक यू सो मच गाइज़.